ये क्या देख। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम करने जा रहे हैं गर्ल गप्पा चैलेंज। तो दीदी बताएंगे आपको कि हमारे चैलेंज के क्या रूल होने वाले हैं, तो बताइए दी। हमारे चैलेंज का रूल ऐसे है कि हमें एक मिनट के अंदर अंदर गोलगप्पे खाने हैं। हम एक मिनट का टाइमर सेट करेंगे, जो भी ज्यादा गोलगप्पे खा जाएगा वो विनर होगा। और जो हारने वाले को पनिशमेंट मिलेगी, और उसको माने हैं 5 पुशअप्स, और वो भी पूरे ना कि आधे। तो हारने वाले लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी, साथ साथ आपको बहुत ध्यान से देखते रहना है पूरी वीडियो को। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी है जो चीटिंग करके भी अपना गेम स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। दो ध्यान से, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना भी है कौन चीटिंग करेगा। तो चैलेंज में आपको देखना क्या क्या है, आपको ये देखना है कि गोलगप्पा आपके सामने फोड़ा हुआ हो, उसके अंदर फिर पिट्ठी भी यही सामने सामने डाली हो, और पानी भी पूरा भरा हो, पूरा भर के गोलगप्पा खाया हो, ना कि ऐसे कि थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ी सी पिट्ठी डाली और हो गया काम। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं गोलगप्पा चैलेंज। तो हमने स्क्रीन पे ये टाइमर लगा दिया है एक मिनट का, आप देख सकते हो। टाइमर के लिए हम संभालेंगे गोलगप्पे, टाइमर संभालेगा भाई। तो ये हम दोनों के अलग अलग हैं, हमने अपना अपना पानी ले लिया, पानी बिल्कुल तीखे वाला बनाया ताकि पता तो लगे गोलगप्पे खा रहे हैं। और ये हमारे अलग अलग गोलगप्पे हैं, ये आलू की पिट्टी, और ये हमारे खाने के लिए बिल्कुल गोलगप्पे वाले भैया के जैसे लेके आए हैं ये भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा गोलगप्पा चैलेंज। यहाँ पे तो चीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, देखो लोगों ने अपने गोलगप्पे फोड़ फोड़ के रख लिए हैं। नहीं गाइस, ये मैंने वैसे ही मतलब गलती से हो गया, लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था। तो अगर जो गोलगप्पा सामने फोड़ के जिसके अंदर पिट्टी डाली जाएगी वो वाला ही कैलकुलेट होगा, अगर पहले से किसी ने अपना गोलगप्पा फोड़ रखा है तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। यस, नहीं होगा, और दीदी करेंगे ऐसा काम। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, टाइमर स्टार्ट कर दे। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है टाइमर, तो जल्दी जल्दी हो गया स्टार्ट। हाँ। मेरे से तो पूछ ही नहीं रहा। पाँच चार हो गया। गाइस मैं जीत चुकी हूँ और दीदी हार चुके हैं। दीदी हारने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, ओनली पनिशमेंट मिलेगी आपको। तो गाइस दीदी हार चुके हैं और ये अब भी ठूसने में लगे हुए हैं। हार तो चुकी है, पुशअप्स तो करनी है एटलीस्ट गोलगप्पे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अब ठूस रहे, अब इनको पुशअप्स लगानी है क्योंकि हार चुके हैं, और पनिशमेंट तगड़े वाली होने वाली है क्योंकि इनसे तो लगने वाले हैं नहीं, काफी टाइम से इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ रखी है, तो ये काफी थुलथुले हो चुके हैं। तो देखते ही कैसे करते है पुशअप्स को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दीदी चलिए जो पनिशमेंट करते हैं। पनिशमेंट की तो कोई बात ही नहीं हुई थी ना, पनिशमेंट तो देनी ही नहीं थी कोई। ये क्या बात है गाइस, दीदी ने खुद ने बताया था कि रूल्स नहीं, क्या होने वाले हैं, कोई चक्कर नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। इतने तो हमारे भाई साहब मतलब हारने के बाद, एक तो हार गए ऊपर से बोल रहे हैं, और हारने के बाद भी गोलगप्पे ठूस रहे हैं। जीतने वाले के लिए ही ये सब चीजें। अब हारने हारेंगे और पुशअप्स लगाओ। अगर अगर मुझे ये सारे गोलगप्पे खाने को मिलेंगे तो मैं पुशअप्स लगाऊंगी, अदरवाइज नहीं लगाऊंगी। चलो पुशअप्स लगाओ, आप रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो। रूल में कहा लिखा हुआ था कि आने वाले को गोलगप्पे नहीं मिलेंगे। आप वीडियो बैक करके देख लो, आपने खुद ने बोला था। मैंने ये एक बार भी नहीं बोला, आप दोबारा से चीटिंग कर रहे हैं। मुझे बताओ कि मैंने बोला था क्या। गाइस ये चीटिंग कर रहे हैं, नहीं मिलेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि दीदी चीटिंग कर रहे हैं। बताओ ये ऐसा ही है, ये क्या इंसाफ करेंगे, खुद इतना घटिया गोलगप्पे के नाम पे किसका इंसाफ भाई, गोलगप्पे के नाम पे कोई किसी का इंसाफ नहीं होगा। चैलेंज था हमारा, ठीक है ना। तो आप चलो फटाफट से भाई आइयो, मदद करियो।
गोलगप्पे का चैलेंज ऐसे था कि अपनी अपनी पूरी प्लेट खुद को फिनिश करनी है, मैं अपनी प्लेट इससे पहले फिनिश कर दूंगी और मैं जीत जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक मिनट के अंदर कितने खा सकते हो आप, चाहे दो खाओ, एक खाओ या एक भी ना खाओ, तो वो था चैलेंज। तो आप अब झूठ बोल रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो, आप धोखा कर रहे हो, आप फ्रेम कर रहे हो, और जो जो भी होता है गाइस कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और दीदी चलो स्टार्ट हो जाए। तो गाइस मैं इनको करती हूँ रेडी, आपको वहाँ पे मिलेंगे हम पनिशमेंट के जंग के मैदान में। नहीं, जंग के मैदान में नहीं, आपको मिलेंगे आपको मिलेंगे हम गोलगप्पे के मैदान में, पनिशमेंट के स्टेज पे। तो मैं आपको वहीं पे मिलती हूँ दीदी के साथ में, सबसे लगाएंगे फिर। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी तो दीदी मान नहीं रहे हैं, तो मनाना तो पड़ेगा। मैं और भाई मिलके इनको मनाते अच्छे से और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस बड़ी मुश्किल से दीदी आ चुके हैं मैदान में। तू आ गया क्या? और अभी करेंगे अपनी पनिशमेंट कंप्लीट। हमसे तो हुआ नहीं काम, लेकिन फिर मम्मी आई मैदान में बेलन लेके और फिर ये सीधी में, और अब यहाँ पे पनिशमेंट अपनी कंप्लीट करेंगे। मेरे वाले और इनके वाले दोनों के ठूस चुके हैं ये, और अभी अभी करेंगे, थोड़े बाकी हैं। बहुत तेज हो रहा है, है? बहुत तेज हो रहा है। तो दीदी आप बनाना बनाते हुए और अपना स्टार्ट करिए। गाइस मुझे पुशअप्स नहीं आते, स्टिल होप फॉर द बेस्ट, विश मी लक। मैम चौड़े होंगे यार, थोड़े से यहाँ पे कर लो, ये क्या देख रहे हो गाइस, ऐसा ही सा आपके काम देख लो आप। बस ट्रेनिंग में जाके क्या करोगे, क्या उखाड़ोगे? एक भी नहीं हुआ है अभी तक, चलते लगते हो गए तो। एक भी नहीं हुआ गाइस, आप देख रहे हो ना ध्यान से। चलो स्टार्ट करो। मैन ट्रेनिंग में पुशअप्स नहीं होते हैं, पुशअप्स नहीं होते तो आप किस चीज की वेट कर रहे हो? कोई बहाना नहीं चलेगा। करिए झुक जाइए, झुक जाइए, हाथ उठो तो करो तो आप। एक वैसे कंप्लीट किया नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी दया कर लेते हैं। दो, तीन, लेकिन ढाई कर लेते हैं। चलो ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ढाई, तीन, ढाई, ऐसे नहीं होगा गाइस। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है आप पुशअप्स में। नहीं गाइस तीन हुए, इन्होंने आधे आधे मारे तो हमने इनके काट लिए। चलिए साढ़े तीन, व्हाट इज साढ़े तीन? आधे आधा कर रहे हो, लास्ट भी दया कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं हो रहा। लास्ट वन, नहीं लास्ट वन, नहीं मैं नहीं करूंगी फिर। ये क्या है? मैं नहीं करूंगी फिर। चलो ठीक है लास्ट रन, लेकिन कंप्लीट करना है। ये और झुको, ये क्या है? और झुको, ये चीटिंग हो रही है, देखिए। और ये ऐसे मान्य नहीं होगा, लेकिन चलो ठीक है, कोई ना चला लेते हैं, हम थोड़ी सी इज्जत कर लेते हैं। तो गाइज यही था ब्लॉग, आई होप आपको मजा आया होगा, और लोगों की हालत देख के भी मजा आया होगा। तो गाइज ये था हमारा गोलगप्पा चैलेंज वीडियो, आई होप आपको मजा आया होगा। और कमेंट सेक्शन में बताना लोगों की हरकत, हारने वालों की उन्होंने कितनी चीटिंग की और मैंने कितनी फेयर तरह से गेम को खेला है और चैलेंज किया है, मतलब। तो यही था हमारा आज का चैलेंज, और आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आती रहेंगी आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो साइड में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे उससे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून गाइस, खत्म, बाय बाय, टाटा।